आज की चर्चा का विषय है एंथेसिस किसे कहते हैं एवं इसके पैटर्न कितने हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंथेसिस क्या है। द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ ए फ्लावर दैट इज कॉल्ड एंथेसिस। इट मीन्स पौधे में किसी पुष्प का पहली बार ओपन होना या खुलना एंथेसिस कहलाता है। यानी जब पहली बार कोई फ्लावर किसी पौधे में खिलता है तो उस स्टेज को हम एंथेसिस या पुष्पन कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देखेंगे ये सीसम प्लांट है यानी तिल का प्लांट है। इसमें ये फर्स्ट फ्लावर ओपन हुआ है, फर्स्ट फ्लावर फंक्शन में आया है। तो इस स्टेज को या इस पीरियड को हम एंथेसिस कहेंगे। कभी कभी हम जनरल भाषा में कहते हैं कि पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब एंथेसिस स्टार्ट हो गया। जो फ्लावरिंग पीरियड है उसको हम एंथेसिस कहते हैं। यानी जब फर्स्ट जो फ्लावर जब फंक्शन में आता है या ओपन होता है, खिलता है फ्लावर, तो उस स्टेज को हम एंथेसिस कहते हैं। इस ईयर में देखेंगे जो वीट की ईयर है इसमें भी ये फर्स्ट फ्लावर यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो इस स्टेज को हम एंथेसिस कहते हैं। वीट के केस में जब फर्स्ट फ्लावर ओपन होता है। किसी भी पौधे में जब पहला पुष्प खिलता है तो उसको हम एंथेसिस कहते हैं। अब जानते हैं कि एंथेसिस के पैटर्न कितने होते हैं। तो एंथेसिस के बेसिकली तीन पैटर्न होते हैं, जिसमें पहला पैटर्न है एक्रोपेटल सिंथेसिस एंथेसिस। एक्रोपेटल एंथेसिस का मतलब होता है कि एंथेसिस जब स्टार्ट होगी तो नीचे से ऊपर की ओर एंथेसिस होगी। यानी जो ओल्ड फ्लावर होंगे वो नीचे होंगे बेस में, और यंग फ्लावर जो होंगे वो ऊपर होंगे। यानी एंथेसिस नीचे से ऊपर की ओर चलती चली जाती है। जैसे इस पिक्चर में आप देखेंगे पहले ये फ्लावर ओपन हो रहा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और अभी ये नेक्स्ट डे जा करके ये फ्लावर ओपन होंगे। तो नीचे से ऊपर की ओर जब एंथेसिस चलती है तो उस पैटर्न को हम एक्रोपेटल एंथेसिस कहते हैं। दूसरा जो एंथेसिस का पैटर्न है वो है बेसिपेटल एंथेसिस। बेसिपेटल एंथेसिस का मतलब है कि सबसे पहले जो टॉप के फ्लावर होंगे उसमें एंथेसिस होगी। यानी पहले टॉप के फ्लावर ओपन होंगे, उसके बाद में नीचे को ओपन होते चले जाते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप क्लियरली देखेंगे कि ये फ्लावर जो ऊपर वाले थे ये ओपन हो चुके, और ये अभी फ्लावर ओपन होना बाकी है। ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं ये रिसिनस कॉम्युनस यानी कैस्टर का फ्लावर है, जिसमें ये बेसिपेटल एंथेसिस दर्शाया गया है। तीसरा एंथेसिस का पैटर्न है सेंट्रीपेटल एंथेसिस। सेंट्रीपेटल एंथेसिस का मतलब होता है कि जो एंथेसिस प्रोसेस होगी यानी जो फ्लावर ओपन होंगे वो दोनों तरफ से होंगे, टॉप से भी और बेस से भी। यानी दोनों तरफ से एंथेसिस होना स्टार्ट होता है, और जो यंग फ्लावर होंगे वो सेंटर में होंगे यानी बीच में यंग फ्लावर होंगे। दोनों तरफ से एंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। यानी फ्लावर खिलना ऊपर से भी स्टार्ट हो जाता है और नीचे से भी स्टार्ट हो जाता है। जो खिले हुए ओल्ड यानी देसी भाषा में कहें हम, तो ओल्ड फ्लावर जो होंगे वो नीचे भी होंगे और टॉप पर भी होंगे, लेकिन जो यंग फ्लावर होंगे वो सेंटर में होंगे यानी बीच में होंगे। जब दोनों तरफ से एंथेसिस यानी फ्लावर का ओपन होना दोनों तरफ से स्टार्ट होता है तो उस पैटर्न को हम सेंट्रीपेटल एंथेसिस कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि एंथेसिस क्या है। एंथेसिस मीन्स जनरली भाषा में कि फ्लावर का ओपन होना, किसी भी पौधे में फ्लावर का ओपन होना पुष्पन कहलाता है यानी एंथेसिस कहलाता है। एंथेसिस के कितने पैटर्न है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी तीन पैटर्न है बेसिकली। पहला पैटर्न है एक्रोपेटल एंथेसिस, दूसरा बेसी पेटल एंथेसिस, और तीसरा सेंट्री पेटल एंथेसिस। प्रिय व्यूअर्स, इसी प्रकार की जानकारी के लिए देखते रहिए एग्री कोचिंग इंडिया।